नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका बिहारी लौंडे के YouTube चैनल पे। अभी हम पहुंच चुके हैं मनाली के हिडिम्बा माता देवी के मंदिर पे। पहले आप इस मंदिर के व्यू को देख लीजिए, उसके बाद हम आपको इस मंदिर का इतिहास बताते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है, आपको सुन करके बहुत मज़ा आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस पूरे मंदिर के व्यू को देखिए। जैसा कि आपने मंदिर का व्यू देखा, बहुत ही अच्छा है, खास करके अगर इस टाइम पे ठंडी के टाइम पे आते हैं, यहाँ पे आइस वगैरह रहते हैं, एक मज़ेदार सा यहाँ पे मौसम रहता है हमेशा पूरे साल। और अगर बात करें इस मंदिर की इतिहास की, तो जैसा आप सब लोगों ने जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं इसके बारे में आपको रूबरू करा रहा हूँ। 1556 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। इस कुल्लू क्षेत्र के जो राजा थे उनका नाम था बहादुर सिंह, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। इनकी कहानी शुरुआत होती है पांडवों के साथ से। पांडवों के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, अगर आप महाभारत के बारे में जानते हैं तो एक थे कौरवों, एक थे पांडव। महाभारत जिसके कारण जिस टाइम पे हुआ था, धृतराष्ट्र थे, शकुनी थे और दुर्योधन थे। ये प्लानिंग इन लोगों ने यह बनाया था कि इन सबको, पांडवों को यहीं पर जला करके मार देना है। उनका एक लाख का घर होता है, लाख मतलब होता है कि ऐसे ऐसा वस्तु जो कि तुरंत से जल जाए। वैसे में इनका घर बनाया गया था। और तब क्या अचानक से क्या हुआ कि जो पांडव लोग थे इनको पता चल गई कि जो कौरव लोग हैं वो हमें मार डालने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि इनका अगर महाभारत देखोगे तो, क्योंकि कहानी बहुत लंबी है, वो कोई जमीन वगैरह का लेकर के विवाद था, इनको अपना हिस्सा चाहिए था और वो लोग नहीं देना चाहते थे। एक ही रात के अंदर में इन लोगों ने अपने उस लाख के महल से गंगा तट तक एक अंदर ही अंदर सुरंग बना लिया। सुरंग के रास्ते ही आ गए गंगा तट पे और तब तक उस महल में आग लग गई। कौरवों को ये पता चल गया कि ये सारे लोग जल करके अंदर ही मर गए। इन लोगों को ये पता था कि ये सारे लोग जल के मर गए, नहीं था वो गंगा तट पे आ गए, गंगा तट से नाव के सारे पार करके चले गए दक्षिण दिशा के क्षेत्र में, जंगल की ओर बढ़े। दक्षिण दिशा में वो आ पहुंचे यहाँ पे, इस जगह पे जहाँ पे अभी हम लोग हैं। हिडिम्ब राजा था उनकी, वो अपने बहन के साथ हिडिम्बा के साथ रहता था यहाँ पे। क्या बात है भैया? क्या बताए बहन, मनुष्य मांस खाए लगता है कई जन्म बीत गए, कितना भी खाऊं भूख नहीं मिटती, मनुष्य रक्त का स्वाद इस मदिरा में कहाँ। भीम ने बोला कि आप सभी लोग सो, मैं आप लोगों का देख रेख करता हूँ। हिडिम्ब था, वो अपने बहन को यहाँ पे भेजा था कि जाओ कुछ भोजन वोजन का व्यवस्था करके लाओ। जा हिडिम्बा, पांच को बांध करके रख दे और एक भारी भरकम मेरे लिए लेकर के आ। तो हिडिम्बा आई थी इस भोजन के तलाश करने के लिए, और जब उन्होंने इन सबको देखा, कुंती पुत्र को कुंती के साथ सोते हुए देखा, नजर पड़ी भीम पे। भीम का शरीर इतना प्यारा और खूबसूरत चेहरा, उनको प्रेम हो गया। भीम को भूली अपना भान, प्रेम उदय मन में हुआ, हटा न पाई ध्यान। इतने देर तक हिडिम्ब ने इंतजार करने के बाद वो आया और बोला कि तुम्हारे सामने ये सब है, तुमने भोजन क्यों नहीं लाया। जो हिडिम्बा ने बोली कि मुझे इनसे प्रेम हो गया है तो मैं नहीं मार सकती इन लोगों को। हिडिम्बा ने लड़ाई किया, लड़ाई करने के बाद में भीम ने हिडिम्ब को मार डाला। अब ये हिडिम्बा अनाथ हो गई, वो बोलने लगी इनसे शादी वगैरह करने के लिए। कि जो माँ थी कुंती, उन्होंने पुत्र भीम से बोली कि शादी कर लो इनसे। अब कुंती पुत्र का यही थे, ये लोग सत्य वचन पे चलने वाले थे, इन्होंने मना नहीं कर पाए अपने माता को और शादी किए। प्रार्थना भरे हृदय में पीर महादेव।
वहीं से ये जो राक्षस थी हिडिंबा वो मानव बन गई और तब से हिमालय में उनकी पूजा होने लगी। और ये इतिहास रहा इस मंदिर का। उनका एक पुत्र भी हुआ जो कि चक्रव्यूह के टाइम पे, जब चक्रव्यूह हुआ था, महाभारत का लड़ाई हुआ था, बहुत अच्छा खासा उसका योगदान रहा था। श्री कृष्ण का वरदान मिला था। बहुत लंबी कहानी है, मैं आपसे सलाह दूंगा कि एक बार जरूर जा करके आप महाभारत देखिए, हमारे इंडिया के इतिहास का पता चलेगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।